नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी और अदाणी के मुद्दे पर जमकर हंगामा, संसद की पहली मंजिल पर चढ़ गया विपक्ष। ये आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ, इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी की ओर से भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान को लेकर भाजपा सांसदों का विरोध जारी है। सरकार की तरफ से मंगलवार को भी राहुल गांधी से माफी की मांग की गई। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अदाणी मुद्दे पर जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित करने में सरकार की विफलता के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। इस प्रदर्शन के बाद ही दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने इसके बाद संसद के बाहर जमकर बवाल किया और संसद की पहली मंजिल से पोस्टर भी लहरा दिए। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार और विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। अदाणी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की मांग को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद की पहली मंजिल पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बिहार विधानसभा में किए गए ऐलान से हर कोई रह गया दंग। ये आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर आज हर कोई दंग रह गया है। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंडर रहकर काम करता रहूंगा। उन्होंने मुझे जो काम सौंपा है उसे मैं पूरा करूंगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव का यूं कहना राजनीतिक गलियारे में फिलहाल चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। अगली बड़ी खबर, संबित पात्रा ने राहुल गांधी को बताया मीर जाफर कहा सहजादे ये नहीं चलेगा, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर भारत में जमकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से माफी मांगने पर जोर डाला। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी पड़ेगी, हम माफी मंगवा कर ही रहेंगे। संबित पात्रा ने बताया कि बीजेपी रोजाना राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए क्यों कहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ब्रिटेन और अमेरिका से इस तरीके की मांग लंदन में बैठकर करेंगे तो यह ठीक नहीं है। हमारा मानना है कि यह विषय नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। राहुल गांधी को माफी तो मांगनी पड़ेगी और हम मंगवा कर ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। राफेल केस में भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी और आज उन्हें संसद के पटल पर फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। संबित पात्रा ने कहा कि मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। आज की राजनीति के राहुल गांधी मीर जाफर हैं। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए और जो राहुल गांधी ने लंदन में किया है ठीक वो वही ऐसा है। आज के मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, सहजादे ये नहीं चलेगा। सहजादा नवाब बनना चाहता है, इसके लिए विदेशी ताकतों से मदद मांग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी जमीन पर जाकर मीर जाफर का काम करने वाले सहजादे को हम भाजपा के रूप में नहीं बल्कि इस देश की जनता के रूप में ये आदेश देते हैं कि आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। सहजादे आपने देश का अपमान किया है, इसीलिए संसद के पटल पर देश से आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को मीर जाफर कहने पर भड़क गई कांग्रेस पार्टी, कहा संबित पात्रा पर होगी कड़ी कार्यवाही। ये आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया है। संबित पात्रा ने पहले कहा था कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, हम मंगवा कर ही रहेंगे। अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात साहा और सहनशाह जानते हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। इसके बाद भी बीजेपी प्रवक्ता बिना नहाए चले आते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि 9 बार नाक कर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले और वायसराय से पेंशन लेने वाले कांग्रेस को देशभक्ति का ज्ञान देते हैं तो हंसी आती है। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, आप लोकतंत्र के किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं, मालिक जनता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह ड्रामा इसीलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त को लेकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सामने अडानी का जिक्र ना कर दें। लोकतंत्र के जयचंद मत बनिए, इतिहास में आपको जयचंद कहा जाएगा यदि आप देश के बजाय दोस्त की चिंता करेंगे। संबित पात्रा ने पहले राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की थी। संबित पात्रा के इस बयान पर पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को मीर जाफर कहने को लेकर संबित पात्रा पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, बैठक में नहीं शामिल हुए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के आम चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयासों के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों से ही दूरी बनाए रखना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में कांग्रेस के साथ
गठबंधन में साझेदार है। आपको बता दें कि दरअसल बंगाल सरकार के एक सूत्र ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 फरवरी को 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक का निमंत्रण भेजा था। जानकारी के अनुसार केजरीवाल ने ममता बनर्जी को 18 मार्च को बैठक के लिए आमंत्रित किया था। इसके साथ ही 7 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ऐसा ही निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि बाद में बैठक नहीं हुई। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी इस महीने के अंत में राष्ट्रीय राजधानी जा सकती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बारे में अभी कोई बात सामने नहीं आई है। पिछले सप्ताह ममता बनर्जी की समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद टीएमसी ने कहा था कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही अलग राह चलेगी। दूसरी ओर पटना में नीतीश कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री का पत्र मिलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार गठबंधन में अपने सहयोगी कांग्रेस के मद्देनजर आम आदमी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ विरोधी दलों का एक मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महत्व न देते हुए बीजेपी विरोधी G8 कहे जाने वाले इस विपक्षी मोर्चा को बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन या कोई भी मोर्चा सफल नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शांति भंग करने पर होगी कड़ी से कड़ी कार्यवाही। यह आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतपाल के मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की पंजाब सरकार की कार्यवाही ने दिखा दिया है कि आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी है। देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हालत में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को इतने संयम और परिपक्वता से काम करने पर बधाई। पंजाब की कानून व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं। अगर कोई भारत माता के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद एक गैंगस्टर नशा माफिया की धरपकड़ शुरू हुई है। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने बता दिया है कि कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार तैयार है। शांति व्यवस्था खराब करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पर कठोर से कठोर कदम उठा सकती है। पंजाब के लोगों का धन्यवाद जिन्होंने सरकार के साथ खड़े होकर सहयोग किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि यदि कोई भी माफियागिरी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में दिया बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को कर रही परेशान। यह आपको बता दें कि राजस्थान में नए जिलों की घोषणा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाकर मुख्यमंत्री को फूलों की मालाएं पहनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी परेशानियों को भी सुना और मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार बोला। आपको बता दें कि इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को परेशान कर रही है। राहुल गांधी ने अपनी ताकत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा दी है और वो सबसे लड़ सकते हैं, यह संदेश दिया है। जनता अब इनको सबक सिखाएगी। इससे पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया और अब मुस्लिमों को भी गले लगाने की बात कर रहे हैं। जनता ये सब समझ चुकी है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। अगली बड़ी खबर, सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाए केंद्र सरकार, बजट को रोकना दिल्ली के खिलाफ बड़ी साजिश। ये आपको बता दें कि केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को दिल्ली विधानसभा में बजट पे सोने से ठीक पहले रोकने को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सियासी बवाल चरम पर पहुंच गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद प्रदेश सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव पर जुबानी हमला बोल दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर एक साजिश के तहत बजट को रोकने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए तैयार हैं, बजट बनकर तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे रोक दिया है। केंद्र सरकार एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रही है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यह दिल्ली की 2 करोड़ जनता का अपमान है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बजट को रोकना देशद्रोह जैसा अपराध है। यह अपराध दिल्ली के मुख्य सचिव ने किया है। क्या केंद्र सरकार मुख्य सचिव को सेवा निकालने का काम करेगी? केंद्र सरकार दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ षड्यंत्र क्यों कर रही है? एलजी साहब और केंद्र सरकार इस साजिश पर आखिर चुप क्यों बैठे हैं?
अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है तो जेपी नड्डा का किसके पास है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तरफ से उनको लेकर की गई रिमोट कंट्रोल वाली टिप्पणी पर जवाब देते हुए पूछा कि बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके पास है। केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सच बोलने के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो ऐसी चीजों से डरते नहीं हैं और हर चीज के लिए तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी बेलगावी आए और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। ठीक है, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है लेकिन जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहां है। कर्नाटक कांग्रेस की प्रदेश इकाई की ओर से आयोजित एक युवा सम्मेलन युवा क्रांति समावेश को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपी नड्डा किसके रिमोट के नियंत्रण में बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह लोकतंत्र है, क्या यह कहना गलत है कि इस देश में लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। यह कहना कि इस देश में अभी भी जातिवाद है, आप हमें सच नहीं बोलने देते जबकि आप झूठ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आपके ईडी सीबीआई या सीबीसी हम पर हावी नहीं हो सकते, हम उनसे डरते नहीं हैं। राहुल गांधी ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, वो सच बोलते हैं और ऐसे व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, उन्हें ऐसा करने दें क्या वे उन्हें जेल में डाल देंगे, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी किसी से नहीं डरेंगे और कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने की बड़ी मांग, कहा नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान सदन के बाहर बीजेपी विधायक हरिभूषण बच्चौल ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोमवार को सदन में घटना घटी, नीतीश कुमार विस्मरण का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने सदन में खुद को दोबारा गृह मंत्री बोला। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी देख चुका हूं कि सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विस्मरण के शिकार हो चुके हैं, एक प्रश्न को ढूंढने में उनको सेकंड लगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लेना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि वो विस्मरण के शिकार हो गए हैं, बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए ये जरूरी है कि उनका हेल्थ कार्ड जारी किया जाए, वो चांडला चौकड़ी से घिरे हुए हैं, मैं मांग करता हूं कि उनका हेल्थ कार्ड सार्वजनिक किया जाए, ये बिहार की जनता के लिए जरूरी है ताकि उनके आसपास के चंडाल चौकड़ी उनसे कुछ गलत काम ना करवा लें। मैं आग्रह करता हूं कि नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कुणाल घोष का बड़ा ऐलान, बोले बतौर नेता पूरे तरीके से नाकाम है राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पूरे तरीके से नाकाम राजनेता करार दिया। कुणाल घोष ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में दोबारा भाजपा का मुकाबला करने में असफल रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था और कहा था कि अगर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव मैं राहुल गांधी विपक्ष का नेतृत्व करते हैं तो भाजपा की राह और आसान हो जाएगी। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी पर टीएमसी नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी से बचाने के लिए भाजपा के साथ डील करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि फिलहाल कुणाल घोष ने ऐलान कर दिया है कि बतौर नेता पूरे तरीके से राहुल गांधी नाकाम है। उन्होंने ऐलान किया है कि यदि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में बतौर नेता नेतृत्व करते हैं तो एक बार फिर बीजेपी की जीत निश्चित है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या टीएमसी गठबंधन में शामिल होगी या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।